भली भांति हमसे भी परिचित हैं और उन्नाव के लोग भी परिचित हैं। यहीं का रहने वाला हूँ, कहीं बाहर का नहीं हूँ। पहले भी हमने काम करके दिखाया है, शत प्रतिशत उपलब्धता के साथ जनता के बीच में सेवा की है, आगे भी उपलब्ध रहूँगा। जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जितने छूटे काम थे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनको पूरा किया, और भविष्य में भी यदि कोई समस्या आती है, हमको जो समस्या दिखाई देती है वो पेयजल की ग्रामीण क्षेत्र में भी समस्या है, उसको दुरुस्त करने का काम। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फ्लोराइड की है, जैसे मकूर जैसे गांव जो है पूरी तरीके से सफर कर रहे हैं, पहले प्रयास भी किए गए, अब क्या अगर इस बार 5 साल आपको और मिलते हैं तो किस तरीके से उनको जो है उस समस्या को दूर करेंगे फ्लोराइड? मकूर हमारी विधानसभा में नहीं है, हमारी विधानसभा में लगभग 60 ग्राम ऐसे थे जहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी था। सभी गाँव में आर ओ युक्त पानी की टंकियाँ हमने लगवाई हैं और वहाँ पीने की समस्या हम लोगों ने दूर की है। हाँ, हर घर नल की योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, उस पर हम लोग बड़ी तेजी से काम करेंगे। वो आने वाले 2 साल के अंदर हर घर को ग्रामीण क्षेत्र में टोटी का नल देने, टोटी का पानी देने का काम। एक सवाल और यहाँ पर है कि परिवारवाद हमेशा समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा है, क्योंकि अब आपके जो प्रतिद्वंदी है अभिनव कुमार, उनको टिकट दिया गया है। क्या लगता है एक के बाद एक परिवार को ही जो है मौका दिया जाता है? क्या है सपा की रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और समाजवादी पार्टी परिवार के आधारित पार्टी है, और हर जगह यही नहीं है, आप देखिए ना, सिफाई से लेकर इटावा से लेकर मैनपुरी से लेकर हर जगह एक ही परिवार, एक ही समाज, उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, जो हमारे सामने भी प्रत्याशी उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आज चुनाव के मैदान में। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी और इन दलों में यही अंतर है, हम सब लोग कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये परिवार के लिए काम करते हैं। विधायक की जीत की हैट्रिक हो जाएगी, आश्वस्त हैं? आप स्वयं यहाँ के रहने वाले हैं, वातावरण देख रहे हैं, मुझे लगता है दूसरी लीड होगी। और